जैसे आसपास कोई पढ़े हुए हैं MBA तक, उनसे हम थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर फिर भी नहीं पढ़ पाए। किताबें भी नहीं मिली हमको पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमने प्रयास किया है। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं तुम नीचे जाति के हो, तो हमारे साथ बैठ कर नहीं खाते। सर, जातिगत को भी लेकर भेदभाव था, पास में बैठने नहीं देते थे। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए बच्चे मौजूद हैं जो 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्र हैं। इस कोरोना काल में किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की है, इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं, कुछ समाज से भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकांता है और CACI एक संस्था है। इस प्रोग्राम CACI और NDMJ दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो उसके साथ मैं काम करती हूँ और बच्चों की शिक्षा के साथ काम करते हैं हम लोग। आज का क्या मुद्दा है, क्यों देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चों को बुलाया गया है? आज का मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं कि जो भेदभाव है वो ज़ीरो हो, कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो और अब शिक्षा में भेदभाव हम मानते हैं कि नहीं होना चाहिए, और जो कि 2 साल की पिछली परिस्थिति रही है कोरोना के समय में, हम जानते हैं कि हम जिन बच्चों के साथ काम करते हैं वो दलित, आदिवासी और मुस्लिम हैं, तो इनके साथ शिक्षा की स्थिति बहुत बुरी रही है। जब चूँकि आर्थिक स्थिति भी और सामाजिक स्थिति इनकी बुरी होती है, ये हम सब जानते हैं, तो इसलिए ये आज का जो कार्यक्रम है वो उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि ये जो 2 साल गुजरे हैं इनके ऊपर, उस क्या स्थिति रही है इन बच्चों की, किस तरह की मुश्किलें इन्होंने पार की हैं और अब क्या स्टेज है इनका पढ़ाई के मामले में। देखिए, ये एक तरह से एग्जामिनेशन हो रहा है, आप बताइए आपका क्या नाम? हाँ, मेरा भी यही मानना है, बस इस शिक्षा को लेके नहीं बात करना चाहती। दरअसल हम लोग देखेंगे तो एजुकेशन, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एंड हेल्थ, ये 4 जो थीम्स हैं, इसमें हर बच्चे का उल्लंघन हुआ है ये पिछले 2 साल में। हालांकि ये पहले से ही होता आ रहा था दलित एंड आदिवासी बच्चों के साथ, बट अभी ये जो कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ के गया है, जिसकी वजह से हम लोग ये एक कन्वेंशन किए थे जिसमें जितने भी एक्सपर्ट्स है, बस बच्चे नहीं एक्सपर्ट्स भी आए हैं, दूसरे बहुत सारे जगहों से आए हैं, तो उन लोगों का भी हम लोग फीडबैक ले रहे हैं। जो स्टेट प्रोविजन्स है उसको लेके भी फीडबैक ले रहे हैं, ताकि हम एक दूसरे से सीख पाए और कुछ अच्छा और बेहतर कर भी। पढ़ते हैं आप? जी सर। किस क्लास में? सर, मेरा भी ये फर्स्ट ईयर है। तो BA फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं, अब तक कैसी आपकी पढ़ाई रही है? भेदभाव को लेकर अगर बातचीत की जाए तो क्या अभी भी होता है? सर, मैं रेगुलर क्लास नहीं करती, लेकिन पिछले सत्र में जो भी मैंने पढ़ाई किया उसमें भेदभाव था। वो क्लास में बैठने के लिए जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में तेज रहे थे उनको आगे बैठने का मौका मिलता, और जो बच्चे थोड़ा नॉर्मल रहे थे उन्हें पीछे बैठाया। ऐसा मौका नहीं दिया जाता था कि जो मतलब जो बच्चे स्मार्ट हैं, थोड़ा पढ़ने में तेज हैं, उन्हें पीछे करके जो बच्चे नॉर्मली हैं उन्हें आगे करके उन्हें थोड़ा और भी बेहतर बनाया जाए, इस तरह रहा। जातिगत को लेकर किसी तरह का भेदभाव? सर, जातिगत को भी लेकर भेदभाव था, पास में बैठने नहीं देते थे। इस तरह क्या कहते थे? बोलते थे कि तुम निम्न वर्ग के हो, साथ में बैठना सही नहीं है, वो लोग भाग जाते या फिर पीछे कर देते। ये बताइए, जब इस तरह की समस्याएं होती हैं तो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनका क्या रवैया रहता है? वो लोग इन सब बातों पे कोई अमल नहीं किया करते थे, टाल दिया करते थे बातों को। आप बताइए आप कहाँ? जी, UP में चित्रकूट ज़िले से मैं आई हूँ। मेरा नाम आरजू बानो है। मेरे यहाँ समस्या यही है, पढ़ाई तो जैसी है वैसे, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तो ऑनलाइन के लिए मोबाइल नहीं था किसी के पास भी। तो आपकी पढ़ाई कैसे हुई? पढ़ाई तो जैसे आसपास कोई पढ़े हुए हैं MBA तक, उनसे हम थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर फिर भी नहीं पढ़ पाए। किताबें भी नहीं मिली हमको पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमने प्रयास किया है। कुल मिलाकर जो टेक्निकल समस्याओं जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पर बनी रही, क्योंकि इनके पास फ़ोन नहीं था, और 2 साल में फ़ोन ना होने की वजह से जो कमियाँ हैं वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पढ़ाई पर पड़ती है। आपका क्या नाम? रोजल भोई। कहाँ से आप आए? ओडिशा से। ओडिशा से आप आए हैं, कैसा माहौल रहता है वहाँ पर अगर पढ़ाई को लेकर बातचीत की जाए? और भी बच्चे पढ़ने जाते होंगे, कैसा माहौल रहता है? सब अच्छा रहता है। स्कूल में किसी तरह का कोई भेदभाव तो नहीं? पढ़ाई को लेकर कैसे पढ़ाया जाता है, सिस्टम क्या है वहाँ का, ये जानना।
सिस्टम का मतलब? सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे आप बैठते हैं तो बैठने के लिए वहाँ पे आज भी बेंच वो कुर्सियाँ मिलती हैं या फिर दरियों पे बैठना पड़ता है? नहीं, जो अच्छा रहता है। स्कूल में किसी तरह का कोई भेदभाव तो नहीं? पढ़ाई को लेकर कैसे पढ़ाया जाता है, सिस्टम क्या है वहाँ का, ये बताइए जाना। सिस्टम का मतलब? सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे आप बैठते हैं तो बैठने के लिए वहाँ पे आज भी बेंच वो कुर्सियाँ मिलती हैं या फिर दरियों पे बैठना पड़ता है? नहीं, जो बैठने के लिए टेबल है यहाँ पर। आप बताइए आपका क्या? अमृता दास। अमृता दास जी, ये बताइए स्कूल में जिस तरह से जब सभी बच्चों का लंच होता है, आप भी साथ होते होंगे, तो आराम से एक दूसरे के साथ बैठकर खाते हैं या फिर कुछ समस्याएं रहती हैं? नहीं, कुछ बच्चे बोलते हैं तुम नीचे जाति के हो, तो हमारे साथ बैठकर नहीं खाते। इन समस्याओं को कभी टीचर से कहा? नहीं। आपकी बार जब कभी ऐसा हो तो टीचर से ज़रूर कहिएगा। आप बताइए क्या नाम? मनीषा भोई। मनीषा जी, ये किस क्लास में है? प्लस टू फर्स्ट ईयर। कैसा रहता है माहौल पढ़ाई को लेकर अगर हम बात करें? पढ़ाई को लेकर तो अच्छा चलता है, लेकिन मिडिल क्लास में जो बच्चे होते हैं बहुत शोर करते हैं, लेकिन टीचर कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। पहले जो आगे बैठने से भी कुछ समझ में नहीं, इतने शोर करते हैं कि आगे भी बैठने से कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए कुछ समझ। अभी टीचर से कहा है कि आप, हमें ये समझ में नहीं आया, आप हमें दोबारा समझा दीजिए, दोबारा पढ़ा दीजिए? फिर बोलते हैं, वो कहते हैं कह दूंगा, लेकिन नहीं कहते पीछे। कहते हैं कि पढ़ा देंगे लेकिन नहीं पढ़ाते हैं। आप कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त 21वीं सदी के भारत में भी किस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम दीपिका है, मैं हिमाचल ऊना से हूँ। हिमाचल में अभी भी मिड डे मील में बच्चों को अलग अलग बिठाया जाता है, अलग अलग खाना खिलाया जाता है। हमारे पास भी एक ही फ़ोन था, मेरी बहन और मैं। अच्छा, ये बताइए मिड डे मील की आप बात करें, अलग अलग क्यों बिठाया जाता? क्योंकि जैसे जाति जाति भेदभाव होता है, ऐसी कास्ट वालों को अलग बिठाया जाता है। ये कहा जाता है कि तुम इस जाति के हो तुम यहाँ बैठो, तुम इस जाति के हो तुम यहाँ बैठो। हाँ जी। कौन कहता है, ये टीचर्स कहते हैं? हाँ जी, टीचर्स। ये बताइए कभी बड़े टीचर से या स्कूल के प्रिंसिपल से इस बात की शिकायत की? नहीं लगभग, क्योंकि स्कूल का जो फॉर्मेट है सबको ही पता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। पढ़ाई को लेकर ये बताइए, जब लॉकडाउन लगा 2 साल तक, क्या आपके पास कोई फ़ोन था जिससे आप पढ़ाई कर सके? हमारे पास एक ही फ़ोन था, मैं और मेरी बहन क्लासेस लगाती थी, कई बार मेरी क्लासेस छूट भी जाती थी और कई बार मेरी बहन की क्लासेस छूट जाती थी, पर हम लगा लेते थे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 21वीं सदी के भारत में आज भी खाने पीने की चीज़ों को लेकर स्कूल में बच्चों को अलग अलग बैठाया जाता है, जो कि इस 21वीं सदी की भारत की एक नाकामी भी कहा जा सकता है। दिल्ली से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।